सर्कुलर रोड स्थित जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर रालोद के नेताओं के द्वारा गन्ना भुगतान को लेकर किया धरना प्रदर्शन। जनपद मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों एवं राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा धरना दिया गया, जिसमें वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मिल मालिक से सरकार के द्वारा साठगांठ कर किसानों का भुगतान नहीं दिया जा रहा है। लगातार भाजपा सरकार जहां किसानों को सुविधा देने का वादा कर रही है, वहीं सरकार के द्वारा अपनी सरकार के इंतकाल में गन्ने के रेट पर भी बढ़ोतरी नहीं की गई है और लगातार किसानों का उत्पीड़न करने पर यह सरकार लगी हुई है। वह मांग करते हैं कि जल्द ही मिल मालिकों से कहकर किसानों का बकाया गन्ना भुगतान किया जाए एवं सरकार के द्वारा गन्ने का रेट बढ़ाया जाए, जिससे कि किसान खुशहाल हो सके। देश का किसान परेशान है इस भाजपा की सरकार में। आज ये जो धरना दिया गया है DCO महोदय के यहाँ से, इस जिले का, इस प्रदेश का, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यहाँ गन्ना बाहुल क्षेत्र है, उसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं कराया जा रहा। सरकार मिल मालिकों से साठ गांठ कर रखी है, भुगतान नहीं करा रही, उन्हें सरकार प्रोत्साहित कर रही है। आज किसान कगारी के कगार पर है, सत्ता में बैठे लोग अपना आनंद ले रहे हैं, सत्ता का अधिकारी पूरा मजा ले रहे हैं उसका। कोई किसान की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। हमने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज ये धरना दिया और गन्ना किसानों का भुगतान कराने के लिए।